दोस्तों, देखिए देखिए, मस्त। देख लीजिए दुबई का नजारा, दोबारा कोई दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी दुबई छोड़ रहा हूं। देख लीजिए, मस्त है। रोड का ही फुलवारी है, अलग फुलवारी नहीं है। तो इधर यही सब ड्यूटी लगता है आदमियों को। लोग पूछते हैं दुबई में गए हैं क्या कर रहे हैं, तो यही सब ये फुलवारी लगाते हैं। पाइप बिछाओ, इसमें फुलवारी बनाओ, पेड़ लगाओ, कटिंग करो, सूखे पौधे निकालो, गीले पौधे लगाओ, यही सब अकड़म बकड़म काम रहता है। देखिए कितना किलोमीटर में चलाया, पर रोड पर ही हूँ, उसी चौराहे पर, एक ही दर पर, बताओ। और उसी पे चलने में आधे घंटा 2 घंटा बीत जाता है। देखिए वो दूसरा पुल था, ये दूसरा पुल है, इसके बगल में दूसरा पुल है, रोड पर ही हूँ। तो ये सब व्यवस्था इंडिया में थोड़ी रहता है कि मजदूर आए कमाएं, रोड पर ही काम करें, पैसे कमाते रहें कईयों साल तक। हैं, देखिए मस्त धूप निकल गया है, बिना टेंशन के घूम रहा हूं। मेरा ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को 2-3 वीडियो देखना पड़ेगा, इस चौराहे का वीडियो पूरा देखने के लिए। चलते चलते एक ही चौराहे पर हूँ, लेकिन घंटा बीत जाता है, पता नहीं चलता है। देखिए ये नीम का पेड़ नहीं है और बकाइन का भी पेड़ नहीं है, अलग सा झाड़ है, वो नीम का पेड़ है। देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, 3 तारीख है, मई का महीना है, सोनापुर का ये एरिया है दुबई का। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते हैं, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए हमेशा। आर मौर्या ब्लॉक के साथ चलिए, आपके जीवन में रंग भरने के लिए। देखिए जहाँ पानी नहीं पहुँचता वहाँ सूख जाते हैं, जहाँ पानी पहुँच जाता वहाँ हरे रह जाते हैं। ये रियल लाइफ है, आर मौर्य लाइफ। देखिए ऊंची ऊंची बातें करते हैं, अच्छे अच्छे बोल बोलते हैं, तो अच्छी जगह पर घूमोगे तब ना अच्छे बोल बोलोगे। देखिए दुबई में कुछ नहीं है अपने जैसा, वहां पर आम अमरूद का पौधा नहीं है, ये सब झाड़ियों का है, ससुर अकड़म बकड़म है, देखिए किसी काम का नहीं है। लेकिन इसमें हजारों नहीं करोड़ों मजदूर लोग काम करते हैं, ये सब लगाने के लिए, यहाँ से इनका रोजी रोटी चलता है, ये सब इंडिया में थोड़ी मिलने वाला है। देखिए यही सब लगा लगा के लोग इसमें काम करता रहता है। देखिए कौन सा पौधा है, इसी का पौधा है। इस ससुरा कितना बड़ा हो गया है, कितने साल का होगा पता नहीं, लगभग 2-3 साल हो गया होगा इस पौधे को। तो लोग पूछते हैं भैया हमारे दुबई में क्या कर रहे हैं, भैया तुम्हारे दुबई में यही सब करते हैं। देखो ये फुलवा लगाते हैं, निचोड़ते हैं, सफाते हैं, ये फुलवा बड़ा हो जाता है, देखिए अच्छा है ना। खूब भौकाल मारते हैं गांव में जाके, हम दुबई से आए हैं, फ्लाइट से उड़ के आए हैं, ये नहीं बताते हैं नागफनी का पौधा लगा कर आए हैं। तो इसमें बदनामी थोड़ी है बताने में यार, अच्छा काम ये भी है। देखो हैं, रोड छाप काम है, लेकिन सब तो पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो रोड छाप नहीं काम करोगे तो क्या कद्दू काम करोगे, यही सब तो काम मिलेगा है। कहा समझा, 5 मिनट का वीडियो हो गया है।
टेंशन नहीं लेना है। देखिए पौधा हरा भरा कैसे रहता है, इससे रहता है। यहाँ पर देखिए पानी का कनेक्शन है लेकिन चालू नहीं किया था, तो धीरे धीरे पौधा सूख रहा है। देखिए गांव में इस सब झाल को फूंक देता है लोग, जला देता है, और यहाँ जलाना या आग लगाना जुर्म है, इसलिए यहाँ पानी दे करके रोड का शोभा बढ़ाता है, यही लगा करके बड़े बड़े लोग यही काम। देखिए सूखा रेत है, कुछ नहीं है, कंकड़ पत्थर ससुरा है यहाँ पर हैं, देखो। लेकिन यही सब लगा करके इधर बना रहे हैं, तो ये सब क्या है, झाड़ियाँ हैं, सब रेत है। देखो लोग कहते हैं दुबई में धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी है, सच में साला धूल मिट्टी है। देखो देख लीजिए, और ये पार्किंग है गाड़ियों का, यहाँ पर स्कूली बसें हैं, और कितनी स्कूली बसें हैं ये आप मैं को दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। ये तो फूल पत्ती वाला नज़ारा है यहाँ पर। और देखिए लकड़ियों को गाड़ करके ऐसे सब सीधा उधर करता है, दिन भर इसी मजदूर लगा रहता है, परेशान रहता है। ये देखिए स्कूल वाहन कहाँ खड़ा होता है, देखिए ये जाल के अंदर इतने गाड़ियाँ हैं, देख लीजिए। और उधर छोटी टैक्सी है, देख लीजिए कितना 300-400 गाड़ियाँ हैं। ये नीम का पेड़ है देखिए, हरा भरा मस्त नीम का पेड़ हमको लगता है, कभी कभी दुबई में भी नीम का पेड़ खोज करके दतुन कर लेता हूँ। देखिए दो दिन बाद मैं दुबई आने दुबई छोड़ने वाला हूँ, इसलिए सब दिखा दे रहा हूँ। देखिए आज 3 मई है, और ये नीम यहाँ भी फूला हुआ है, जैसे गांव में फूला हुआ होगा। देखिए नीम काफी बारीकी से दिखा देता हूँ, क्योंकि लोग इंडिया में बहुत पूछते हैं कि विदेश में लोग आके करते क्या हैं, और मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। देखिए पानी पानी भरा हुआ है ना, पाइप यहाँ पर ज़्यादा लीकेज है, थोड़ा पानी ज़्यादा है, बाकी जगह पर कम पानी है। 12 मिनट से ज़्यादा ब्लॉक नहीं बनाता हूँ, लाइव पर बने रहिए। इधर सूखा सूखा रोड है, जिधर से आया था उधर की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि घर वापसी भी जाना है अपने रूम पर, तो ब्लॉकर में बने रहिए। इसी तरीके से यहाँ पे काम होता है, देखिए पानी बह रहा है। राम प्रभु की यही है माया, कहीं धूप और कहीं है छाया। आइए किनारे से गुजरते हुए चलता हूँ, ससुरा पानी भरा हुआ है लेकिन जाना तो है, चलो निकल आया हूँ, टेंशन नहीं है। देखिए कितना बढ़िया फूल खिला है, धूप निकल गया है, देखिए नीम का पेड़ है। ये सब ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुबई की हकीकत के बारे में कुछ बता देना चाहता था, इसलिए बना दिया हूँ। खाली बैठा था, देखिए कितनी टैक्सियाँ लगी हुई हैं, काली नीली पीली हरी, मेन रोड पे गया ही नहीं, फुलवारी ही घूम रहा हूँ। देखो अंधेरा लग रहा है, थोड़ा लाइट कर देता हूँ। लीजिए लाइट कर दिया हूँ, ये देखो इस फूल में कुछ दम है, हैं? साला खखड़ा बकड़ा जैसा फूल है, फूल अच्छा है सिर्फ देखने में, कोई खुशबू नहीं, देख लीजिए। लकड़ा लकड़ी गाड़ के सब बनाया हुआ है, हैं? 8 मिनट का ब्लॉक हो गया। ये देखिए कौन सा पौधा है ये, इसको हम लोग वहाँ पत्थर चट्टा बोलते हैं। देखिए रोड पर ही हैं, लेकिन लग रहा है कैसे जंगल में आ गए हैं। तो ये ब्लॉग देख के आप जान ही गए होंगे कि ये लोग क्या करते हैं यहाँ आके। देखिए इतना फरा हुआ है ससुरा, खाने वाला चीज होता तो इसे फरता, जहर माहौल है साला फरा हुआ है। पाइप वाइप सब बिखेर के रखे हैं, अभी मजदूर पार्टी आती होगी यहाँ पर।
उसके बाद में इंजीनियर फॉर्म में ना जाएंगे, भैया यहाँ कहे टहल रहे हो, ये हमारे बाप का है, ससुर यहाँ काम कर रहे आए हैं तो इनके बाप का है, देखो कितना फरा हुआ है, साला गिनती करना मुश्किल हो जाएगा इतना फरा हुआ। देखो खाने वाला चीज होता तो ये फरता, ये दुबई वालों का है, देखो खा ले सब्जी बना ले, ससुर जहर माहूर हैं, किसी पेड़ में साला ऐसा नहीं, इतना फरा हुआ देख रहे हो हैं, फड़ा है साला कदुआ देख रहे। ससुरा इंडिया में खाद पानी देते रह जाता है, लोग नहीं फरता है, अच्छा साला रिहार में कभी खाद पानी कोई डाला नहीं, देख लो धूल भरा हुआ है, और सिर्फ पानी का व्यवस्था है, यहाँ की मट्टी में एनर्जी है, क्योंकि विदेशों में तेल और पेट्रोल निकलता है ना, लगता है उसी का असर है साला। देखो एक भी पौधा नहीं है जिसमें फरा ना हो, देख लो इतिहास इस बात का गवाह है, साला खाद पानी देने से नहीं फरता है, यहाँ देखो। और खाद पानी ये सब संभव कैसे है, ये सब टॉयलेट का पानी जो फिल्टर होके साला इधर आता ना, इसीलिए ये सब टॉनिक विटामिन सब पाता रहता है एक ही बार में, वही पानी इसमें सप्लाई रहता है फिल्टर होके ना। और दोस्तों एक बात तो बताना ही भूल गया, यहाँ पर रोड पर उजाला करने के लिए एक पैनल ऊर्जा लगा होता है, उसके बारे में भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा साम्राज्य है, साला घूमते रहो दिल्ली की राजधानी छोड़कर यही घूमो खाली, लेकिन नींबुओं का पेड़वा यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि अपने गांव के जैसा है, बाकी तो सब सुथरा झाड़ी फाड़ी फैला हुआ है। देखिए ये पैनल ऊर्जा यहाँ का, देखिए धूल मिट्टी कितना जमा हुआ है, इससे ट्रैफिक लाइट जलती है, और ये फुलवारी है, धूप निकल चुका है, साढ़े करीब 7 बजने वाले हैं, तो अब मैं रास्ता ही भूल गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे निकलता हूँ क्योंकि घर तो जाना है। तो ये व्लॉग एंड करता हूँ, इसके आगे देखने के लिए दूसरे व्लॉग में आप लोग आइए, रोड छाप ब्लॉक है बहुत बड़ा ब्लॉकर नहीं है, देखिए 8 रोड यहाँ पर ज्वाइंट हैं, इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट ब्लॉक में।